कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि सभी अधिकारी हितग्राही मूलक योजनाओं की 100% लक्ष्य पूर्ति करें। जिले का नियमित रूप से भ्रमण करके योजनाओं के क्रियान्वयन की विकासखंड स्तर पर समीक्षा करें। जिले में 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक हितग्राही मूलक योजनाओं के पात्र हितग्राहियों के चिन्हांकन तथा उन्हें योजनाओं से लाभान्वित करने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी कर लें। कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की सफलता की कहानी जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से प्रकाशित कराएं। अधिकारियों के सोशल मीडिया ग्रुप में भी विभागीय उपलब्धियों तथा सफलता की कहानी शेयर करें। बैठक में कलेक्टर ने समय सीमा पत्रों तथा सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का संतुष्ट पूर्वक निराकरण करने का प्रयास करें। अगस्त माह के प्राप्त प्रकरणों में निराकरण पर विशेष ध्यान दें। ऊर्जा विभाग में लगभग 5000 प्रकरण लंबित हैं। अधीक्षण यंत्री MPBL1 अधिकारियों का शिविर लगाकर इन प्रकरणों का निराकरण कराएं। श्रम विभाग में संबल योजना तथा कर्मकार मंडल के प्रकरणों पर जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कार्यवाही कराएं, जिससे प्रकरणों का निराकरण हो सके। आगामी 2 सितंबर को रैंकिंग में डी श्रेणी में रहने वाले सभी विभागों के सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की अधिकारी वार समीक्षा की जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि 16 साल तक के सभी बालक बालिकाओं को टिटनेस एवं एडल्ट डिप्थीरिया से बचाव के लिए टीके लगाए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी सभी स्कूलों में समन्वय से शिविर लगाकर बच्चों का टीकाकरण कराएं। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से शिविर लगाएं। इसकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। बैठक में उप संचालक कृषि ने बताया कि इस सत्र में निर्धारित लक्ष्य के 85% क्षेत्र में बोनी होगी। धान का क्षेत्रफल घटकर 72% हो गया है। फसल विविधीकरण योजना में विभिन्न फसलों के लिए 54,000 हेक्टेयर में खेती के लिए किसानों ने पंजीयन कराया है। सब्जी उत्पादन के लिए 54 हेक्टेयर में किसानों ने पंजीयन किया है। किसानों को सरसों, मटर तथा टमाटर के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि उचित मूल्य दुकानों, आंगनवाड़ी केंद्र, छात्रावास तथा अस्पतालों का जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। खाद्य अधिकारी लापरवाह सेल्समैनों पर कड़ी कार्यवाही करें। खाद्यान्न में उठाव, परिवहन एवं वितरण में लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, संयुक्त कलेक्टर AK झा, डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।